भाई जैसा। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुंहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसैफ था। चूंकि हुसैफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसैफ से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसैफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसैफ के पास तो समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसैफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसैफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसैफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाही। हुसैफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसैफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसैफ से कहा। तब हुसैफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होंठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसैफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसैफ मेरे भाई जैसा है, मैंने उसे जीवन के सभी ऐशों आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसैफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो पर जो भी बोले नपा तुला बोले, उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसैफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसैफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसैफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसैफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल, अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई यह बोलता भी बहुत कम है, जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसैफ को दे दे, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं वैसे ही बीरबल भी एक ही है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।